हे क्लास टेंथ, इससे पहले कि मैं आपको बुक के अंदर सभी मार्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मार्क करना, आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले अपनी बुक खोल लीजिए, एक पेन पेंसिल या कोई हाइलाइटर लेके बैठ जाइए, ताकि हाथों हाथ आप मेरे साथ अपनी बुक में मार्किंग कर सकें। मैंने ऑलरेडी अपनी इस पीडीएफ के अंदर मार्किंग कर ली है। आई विल गाइड यू कि कैसे कैसे कौन कौन सा पोर्शन डिलीटेड है। एंड सेकेंड चीज़, एक और चीज़ आप ध्यान रखें कि कुछ पोर्शन ऐसा भी है जो करा तो है डिलीट, जो नई एनसीईआरटी है उसमें नहीं है वो पोर्शन प्रिंट हुआ हुआ, जैसे कि चैप्टर के एंड में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। बट मैं चाहूँगा कि आप उन क्वेश्चंस में से कुछ चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, आपको बोर्ड्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। एंड बस स्टार्ट करते हैं फटाफट, और आपके सामने बेटा हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। आई एम हैविंग माई टैब एंड माई पेंसिल, और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई करेक्शन होता है तो मैं हाथों हाथ इसी के अंदर कर दूंगा। ओके बेटा, अब क्या है इसके अंदर हमारे पास, हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स के साथ। तो रियल नंबर्स ने बेटा शुरुआत में इंट्रो आप देख ही रहे हैं, अपनी बुक से बेटा बिल्कुल मैच कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास आएगा पेज नंबर 2, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा आप बिल्कुल डिलीट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में जितना कुछ भी दे रखा है सब डिलीट होगा, जो रेड पेन से मैंने मार्किंग करी हुई है सब कटेगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा का पूरा ये सब पोर्शन डिलीटेड है, इसका एग्जांपल भी कटेगा, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4 भी बेटा डिलीटेड है, 1.1 कटेगी। अब क्या है, कुछ बच्चों को डाउट है क्या कि भाई 1.1 में भैया जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का है, तो क्या ये आ रहा है? बेटा नई बुक के अंदर ये पोर्शन प्रिंटेड नहीं है, तो हम ये मान के चल सकते हैं, इवन ऑब्वियसली ये बात माननी ही है हमें कि एनसीईआरटी सीबीएसई के द्वारा इस बार जो बुक आई है वहाँ पे जब ये पोर्शन ही नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। बट एचसीएफ निकालना बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप चाहें तो एक्स्ट्रास के तौर पर इस पोर्शन को कर सकते हैं, लेकिन नीचे दी गई ये जो आपके पास कुछ 4 क्वेश्चन जो हैं ये, इन्हें करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते थे, अब इनका कुछ काम नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यस ये हम करेंगे, ठीक है। इसके बारे में जितना कुछ भी है आप पढ़ेंगे इसको, और थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, यहाँ पूरी एक्सरसाइज 1.2 सब कुछ करेंगे इसमें, और इसके बाद आएगा बेटा आपके पास 1.3। अब 1.3 एक्सरसाइज पूरी करेंगे और ये आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाएगा। जैसे ही आप ये प्रूव रूट 2 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथों हाथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं अपने हाफ ईयरली के लिए, क्योंकि हाफ ईयरली बहुत पास में है। अगर आप इस वीडियो को अभी अपलोड के कुछ दिनों के अंदर देख रहे हैं, और ऑब्वियसली प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए तो है ही, तो रूट 2 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, आपके अभी जो टेस्ट हुए होंगे स्कूल में वहां भी ये क्वेश्चन आया होगा, और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, ये बहुत अच्छा सूटेबल है। इसमें 2+√3 जो पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी कई बार आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा 3+√5, ऐसे ऐसे इसे 2-3 क्वेश्चन करके आपका काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं। आप आरएस यूज कर सकते हो, आर डी शर्मा यूज कर सकते हो, आप सैम्पल पेपर से क्वेश्चन छांट सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन बैंक या ऑसवाल का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। लेकिन ऑसवाल और एडुकार्ड पर तभी जाओ जब आपके बेसिक्स और सब सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है। इस बारे में मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर हाफ ईयरली, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड्स, और अपना जितना भी एक्सपीरियंस अब तक है, इवन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं बच्चे जिन्होंने फुल स्कोर करे हैं 100 में से 100, उनका पूरा शेड्यूल कि भाई कैसे कैसे उन्होंने अपनी हाफ ईयरली की तैयारी की थी, वो भी बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। खैर आगे बढ़ते हैं, ये पूरा पोर्शन आप बेटा डिलीट करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 2 में आएंगे, पॉलीनोमियल्स, शुरुआत का सब कुछ है, जहाँ आपको रेड पेन ना दिखे वो सब आ रहा है, ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है आपके सामने। और इसके बाद 2.1 पूरी करेंगे, इसके बाद जीरोज वाला टर्म, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जीरो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट, यहाँ बेटा ये कटेगा, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलीनोमियल्स कटेगा, डिवीजन एल्गोरिदम नहीं आ रहा है, जहाँ आप डिवाइड करते थे दो डिफरेंट पॉलीनोमियल्स को या इक्वेशंस को, वो पोर्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप एक बात का और ध्यान रखें, ये पूरी एक्सरसाइज तो कटेगी कटेगी, अब 2.4 में आओ बेटा। अब 2.4 में क्या है ना कि 3 जीरोज वाले क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैं इस लाइन को हटाऊँ
तो ये पोर्शन तो चलो कट चुका है, ये 3 जीरोज वाले क्वेश्चन हैं। अब हमें 2 जीरोज तो हमारे सिलेबस में है ही, अल्फा और बीटा करके, अल्फा बीटा गामा करके 3 जीरोज भी हैं जिनका सम जिनका प्रोडक्ट आपको दिया होता है। तो इन क्वेश्चंस को स्टडी कर सकते हैं हम चाहें तो, बट इसमें कोई ऐसा लाइक बुक में नहीं है, नई बुक में नहीं है, बट स्टडी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ध्यान रखें क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन में मज़ा आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, ये जो है इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, ये सब क्यूबिक पे ही बेस्ड है, इन्हें आप कर सकते हैं अगर एक्स्ट्राज में आप चाहें तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। समरी में जब आप पढ़ें की पॉइंट्स पढ़ें तो ये लास्ट के 7 और ये 7 वाला पॉइंट पढ़ने का कोई नीड नहीं है आपको, इसके अंदर वही बात कर रहा है जो कि डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है, जो कि आ नहीं रहा है, ठीक है। अब मेरा एसी बंद हो चुका है, लाइट जा चुकी है, मैं पंखा खोल लेता हूँ, प्लीज़ वेट, होल्ड करिएगा। यस ठीक है, आई होप आपको पंखे की आवाज़ ना आए, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं चैप्टर 3 पे, यहाँ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पे ये सब आ रहा है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन कटेगा, ये नई बुक में नहीं दिया है ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन यहाँ यहाँ से आप जो है डिलीट करेंगे, ये पूरा पोर्शन कटेगा, ये सब कुछ आपका कट चुका है बेटा, ये सब कटेगा, ये सब कट रहा है, 3.1 नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में जो पोर्शन कट रहा है, जो पोर्शन डिलीट हुआ हुआ है, उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं काफ़ी अच्छी अच्छी, तो मैं चाहूँगा कि उन वर्ड प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करें अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि उन वर्ड प्रॉब्लम्स की मदद से आप इक्वेशंस क्रिएट करना सीख सकते हो, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देगा इसी चैप्टर में, इवन इसके बाद जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके अंदर भी। तो ये जो आफ्ताब वाली इक्वेशन है एक वर्ड प्रॉब्लम में ये मिल सकता है, इवन अभी तो हाफ ईयरली और टेस्ट है, स्कूल टेस्ट, तो वहाँ तो टीचर कुछ स्कूल्स में अपनी मनमानी करते हैं, तो वो कुछ भी दे सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो स्टडी करना चाहिए, आप टॉपिक कटो, जो टॉपिक कटे हुए हैं उन्हें पूरा उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर आप अपने टीचर से चाहो तो बाद में मार्क्स को लेके या किसी चीज़ को लेके बात भी कर सकते हो कि सर ये पोर्शन तो चलो था ही नहीं बुक में, लेकिन आप क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट वे में डिफरेंट तरीक़ों से भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके में जो कटा हुआ पोर्शन है अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो ये सब तो आ रहा है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, जो आपके में कटा हुआ पोर्शन है ना उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा, लेकिन सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन ये सब तो आ रहा है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को आप इन दो मेथड से कर सकते हो, तो उस पर ध्यान देना। हालांकि मैं ये कंसिस्टेंसी, ये जो 3 पोर्शन है ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। और या यहाँ पे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं 3.2 में, सब करना है आपको। एलजेब्रिक मेथड्स आपको दे रखे हैं, सब्सटीट्यूशन जैसे कि मैंने बताया अभी, सब्सटीट्यूशन तो आ ही आ रहा है, लास्ट ईयर भी आया था। सब्सटीट्यूट करने का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन से वैल्यू उठा के दूसरे में रखना होता है, इसे बोलते हैं सब्सटीट्यूट करना, एक की जगह कोई दूसरी वैल्यू। और उसके बाद आता है हमारा मेथड बेटा एलिमिनेशन, ये आप सब पहले से करते आ रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो, 8th 9th से मतलब। तो एलिमिनेशन क्या होता है, 2 इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखा और सेम वेरिएबल को उड़ा दिया, या तो सेम कर लिया, नहीं है तो लाइक सेम कर लिया, वरना अगर सेम पहले से है, एक्स एक्स सेम है, वाई वाई सेम, तो साइन चेंज करके उड़ा दिया, उसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, ये 2 तो आ ही रहे हैं। अब देखो इनमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिखेंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो बेटा मल्टीपल वे में बन के आ सकती है, तो वहाँ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट ये कटेगा, ये मेथड ही नहीं आ रहा है, 2 साल से ही नहीं आ रहा है, ये सब कटेगा। अब इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप मेथड को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मेथड के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं इस लाइन को हटाता हूँ यहाँ से, एक्सरसाइज तो कट है, यहाँ लिखा हुआ है देखो सब्सटीट्यूशन, यहाँ भी लिखा हुआ है, और आप ये वाला पोर्शन देख सकते हो, यहाँ क्रॉस की जगह अगर आप ध्यान से देखो तो सब्सटीट्यूट से या एलिमिनेशन से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा और आगे मूव हूँ तो ये जो लाइन मैंने कट करी थी, ये सब क्वेश्चंस आप करो, करो ट्राई करो, बुक में नहीं है तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के तौर पे करो, आरडी में जब करोगे प्रैक्टिस तो आरडी में मिल जाएंगे, आरएस में मिल जाएंगे, तो ये करो, लेकिन इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ना करके इनको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से करना। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, आई विल हेल्प यू, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये जो पोर्शन है बेटा, ये पोर्शन ना नई बुक में नहीं है, लेकिन मैं इसकी एक्सरसाइज में आता हूं, मैंने यहां लिखा हुआ है मस्ट ट्राई, क्यों, ये जो बेटा फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, ये 1/x होता है ये फ्रैक्शन, इसको मैं इजीली a ऐड कर सकता हूँ,
और 1/y, इसे मैं इजीली b ऐड कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको a और b ऐड कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन फ्रैक्शन में बचेगी नहीं। अगर मैं पहले पोर्शन की बात करूँ तो पहली इक्वेशन बेटा मेरी क्या बन जाएगी, ये मेरी बनेगी a बाई टू और दूसरी बनेगी, ये इसका दूसरा पार्ट बनेगा बेटा b बाई थ्री इक्वल्स टू टू। अब मैं इसको आराम से एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसी मेरी नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी। दोनों को सॉल्व करके मैं ए और बी निकाल सकता हूँ। तो क्वेश्चन ये मैं तो कहूँगा ज़रूर करो, यहाँ लिखा हुआ है, बुक में नहीं है, नई वाली बुक में, लेकिन ये सारे पार्ट्स करके जाओ, मज़ा आएगा आपको। इवन वर्ड प्रॉम्स भी करो, ठीक है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो हो सकता है इस पे क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करने में क्या बुराई है। इवन आप रिस्क लेके कुछ कम कर रहे हो, अभी टाइम है तो कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा भी वो करो ना जिसके चांसेस अगर 1% भी हैं तो करो, ठीक है। और जो बिल्कुल ही लाइक मेथड, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही नहीं आ रहा, उसमें टाइम क्यों वेस्ट करना है। खैर ये सब जहाँ मैंने क्रॉस लगाया हुआ है आप काटेंगे, पहले वाला पॉइंट किसी काम का नहीं है, बाकी सब आपके काम के हैं, वो सब आप मार्क करेंगे। आते हैं चैप्टर नंबर 4 में, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे इसमें हम। क्वाड्रेटिक के अंदर यस कंप्लीट द स्क्वायर मेथड कटा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप क्लास 12th में अगर मैथ लेते हैं, 11th में लेंगे तो 12th में भी लेंगे ऑब्वियसली, 11th 12th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इवन कल ही मैंने इंटीग्रेशन के क्लास 12th के क्वेश्चन करा रहा था, तो उसमें भी एक ऐसी एक्सरसाइज है आर ई शर्मा के अंदर 18.15 या 14 एक्सरसाइज है वो, और वहाँ पे हम लोगों ने 15 ही है यस, और वहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट द स्क्वायर मेथड को यूज़ करा है। तो जब आप बड़े हो जाएंगे 12th में, वहाँ जाके अगर आप इस चीज़ को सोचें कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो सीख तो आप तब भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी बुद्धि भी काफ़ी अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन अभी भी आप चाहें तो कंप्लीट द स्क्वायर मेथड अपनी नॉलेज के लिए सीख सकते हो, आगे काम आएगा। मैंने बता भी दिया, एक छोटा सा एग्जांपल भी दे दिया कि कहाँ है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हवा हवा में काम आएगा, तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि कहाँ है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप यह एक काम करना, 4-5 क्वेश्चन करना कंप्लीट द स्क्वायर के, सीखना मेथड क्या होता है, फिर भूल जाओ उसके और क्वेश्चंस मत करो। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब पोर्शन बेटा कटा हुआ है, जितने भी क्रॉस लगे हुए हैं सब कटा है, सब सारे एग्जांपल सब पोर्शन कटा है। अब यहाँ पे यस ये सब भी कटा हुआ है, रूट्स वूट्स सब, आप जितने ये वर्ड प्रॉम्प्ट दे रखी हैं, ये वर्ड प्रॉम्प्ट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की चैप्टर जो अभी इसका पहला वाला है उसमें भी आ सकती हैं। इन दोनों चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स को आप दोनों चैप्टर्स के अलग अलग मेथड से कर सकते हो। लीनियर की इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक से कर सकते हो, क्वाड्रेटिक की इक्वेशंस को लीनियर से कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि दो लोगों की एज का सम 30 है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, ये तो हो गया टू वेरिएबल वाली बात, लेकिन एक की एज x और दूसरे की 30 माइनस x, तो ये सिंगल वेरिएबल में चल रहा है, और जब इनके ऊपर कंडीशन लगाएंगे हम क्वेश्चन में दी हुई, तो ये सिंगल वेरिएबल में क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनेगी। ध्यान रखें इस बात को, बहुत ध्यान से समझें कि वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर की क्वाड्रेटिक की आपस में लिंक होती हैं, इन्हें ध्यान से करिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेंट आएगा, और उसके बाद 4.4 आप बहुत अच्छे से करेंगे। इसमें ये 0.4 जो है मैंने कट करा हुआ है, किसी काम का नहीं है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं चैप्टर 5 पे, एपी, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट और नया चैप्टर होगा आप लोगों के लिए। आप सीक्वेंस पढ़ेंगे, आप इस सीक्वेंस के बारे में सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे, 12th में भी है, 11th में भी है, 11th में आप GP पढ़ेंगे, तो ये तो मैं कहूँगा अच्छे से करके जाना, इसे बहुत अच्छे से करना। इसमें कुछ अभी तक तो कटा हुआ नहीं है, और मैं फिर भी चेक कर रहा हूँ, सब कुछ इसमें आ रहा है। सम वाला क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा नंबर का आता है इसका, इस पर केस स्टडी भी बन जाती है, तो ध्यान से इसे करें, इस पर केस स्टडी बन जाती है, और ये सभी क्वेश्चन सभी पोर्शन इसके आ रहे हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से कर लें। मैंने ऑप्शनल पूरा का पूरा इसमें आ रहा है, ध्यान से करिएगा, एंड यस चैप्टर कम्प्लीटली आ रहा है। ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल्स में पहले जब एरिया वाला पोर्शन डिलीट नहीं हुआ था, अभी जो डिलीट हो गया है अभी मार्क कराता हूँ मैं आपको, तो पहले वहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी था आना, वो तो आता ही आता था। अब बचा ही कितना आपके पास, सिमिलैरिटी बची है बस, सिमिलैरिटी में भी BPT बचा है,
एक क्वेश्चन सिमिलर क्या आ जाएगा जहाँ पे आपको साइड निकालनी होगी, एक क्वेश्चन आपका बीपीटी बेस आ जाएगा, 1 मार्क का और 3 नंबर का, 4 नंबर का चैप्टर, ख़त्म कहानी। चाहो तो हाफ ईयरली में देख लेना अगर ये चैप्टर आपका आ रहा हो तो, क्योंकि सिलेबस कम आता है, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए हाफ ईयरली के अंदर, तो प्रिपेयर रहिएगा। चॉइस इसमें कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती, थोड़ा ध्यान रखें, इसे हल्के में बिल्कुल बदलें। ये चैप्टर आपका गेम बदलने वाला चैप्टर है, ये चैप्टर वो है कि अगर इस पर आपकी कमांड है और आप अपने आप को रैंकर्स की गिनती में समझते हो, तो हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर इस चैप्टर में थोड़ा सा दिक्कत कर जाए और आप यहाँ पे कमांड बना के उससे आगे निकल जाएं। तो इस चैप्टर को एक गेम चेंजिंग चैप्टर समझिएगा। ये और सर्कल दोनों चैप्टर ऐसे ही हैं, इनमें कमांड रखेंगे तो और मज़ा आएगा आपको। खैर, सिमिलैरिटी पूरी अच्छे से करेंगे, पूरी अच्छे से आप सब कुछ करेंगे, इसमें सब कुछ आ रहा है शुरुआत का। आप क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया क्या होते हैं, इसमें भी SSS होता है, इसमें भी AAA या AA भी कहते हैं उसको, ये सब होते हैं क्राइटेरिया, सब पढ़ेंगे। आपके टीचर्स वगैरह इसमें आपको इजीली गाइड कर देंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो अलग से मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा, लेकिन बहुत सारा यूट्यूब पर ऑलरेडी कंटेंट है इतना कि एक से एक अच्छे लेक्चर्स हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो मेरी आई डोंट थिंक यू इसमें अभी नीड होगी, लेकिन तब भी अगर 10 बच्चे भी बोलेंगे तो भी मैं बना दूंगा, मुझे कोई व्यूज़ का लालच नहीं है, और शौक़ के लिए यूट्यूब करता हूँ, कोई ऐसा खास मुझे कुछ काम इससे है नहीं, ना ही इससे कोई अर्निंग का है ना हुआ है। खैर, 6.3 की बात करते हैं, ये पूरी आ रही है, सिमिलैरिटी बेस्ड है, क्राइटेरिया बेस्ड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यह मैं इसी की बात कर रहा था। ये थ्योरम अगर आप ध्यान से देखो तो ये थ्योरम पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, ये सब कटा हुआ है, इसके बाद का सारा ही पोर्शन डिलीट हो चुका है, ये सब कुछ आप उड़ा दीजिए फटाफट, और आप इसमें सब कुछ कट कर दीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कट कर दीजिए। ऑप्शनल की अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ कट तो लगाया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, ये सिमिलैरिटी बेस्ड बीपीटी बेस हो जाएगा, सेकंड कर सकते हो आप, थर्ड कर सकते हो आप, फोर्थ कर सकते हो आप, फिफ्थ कर सकते हो, और इनमें कोई दिक्कत आया तो मुझे बताएंगे आप, ठीक है, आप सेवन्थ कर सकते हो क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस के लिए 8th 9th भी ट्राई कर सकते हो, बस जहाँ पे एरिया का यूज़ हो वो मत करना, इनके सॉल्यूशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑनलाइन किसी गूगल की साइट पे या फिर किसी ऐप पे, माई CBSE गाइड पे भी इसके लाइक पड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पे रिवाइज हो गया है सिलेबस, तो हो सकता है ना मिले, तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो जिन जिन के सॉल्यूशंस में आपको लग रहा है कि एरिया का यूज़ हुआ है वो मत करना, और जो डायरेक्ट हुए हैं वो क्वेश्चंस कर लेना। ये कटेंगे नीचे के 4 पॉइंट्स, ठीक है, और लाइट आ चुकी है, मैं पंखा बंद करूं कि नहीं करूं पता नहीं, माइक में आवाज़ आई थिंक साफ ही आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज माइक बहुत क्लोज लगा हुआ है। यस, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट की, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, डिस्टेंस, सेक्शन, फॉर्मूला एंड ऑल। तो डिस्टेंस पूरा आ रहा है, यस ऑब्वियसली मिड पॉइंट आएगा, डिस्टेंस आएगा, इस पर क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे बनता है, पेपर कैसे कैसे बनता है इसका, और क्वेश्चंस कौन कौन से उठते हैं इसके, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कटा हुआ है, जब से ये कटा है तब से हमारा एक बेसिक, जो बच्चे बेसिक लेते हैं उनका 3 नंबर का इसका क्वेश्चन आता था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, वो भी कट गया, तो अब स्टैंडर्ड में आया, मतलब पहले स्टैंडर्ड में जब भी आता था तो कभी 3 का तो कभी 2 का आता था, अब ये कट ही गया है। खैर, इसका तो वेटेज उड़ा ही दिया, जब से एरिया ऑफ ट्रायंगल कटा है तब से बाकी टॉपिक्स का वेटेज बढ़ गया, ये सब जो हमारे जहाँ रेड मार्क हुआ है सब कटेगा, अभी यहाँ बताऊँगा यहाँ क्या क्या करना है आपको। खैर, मेरी बात सुनो ध्यान से, अब सेक्शन फार्मूला एक ऐसा टॉपिक जो कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन 3 नंबर का बन जाता है सेक्शन सी के लिए, तो उसे आप अच्छे से करके जाएं। खैर, डिपेंड करता है मार्किंग इस बार पैटर्न कैसा है, लेकिन सेक्शन सी के लिए सेक्शन सी जो पेपर का है उसमें सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन आना एक नॉर्मल सी बात है, आ जाता है, प्री बोर्ड में आपको मिल सकता है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। हाफ ईयरली में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो डेफिनेटली मिल सकता है आपको। अब मिड पॉइंट का एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए बहुत अच्छा होता है, डिस्टेंस का एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर इसमें 1 मार्क में इन लोगों ने दिया और सेक्शन बी और सेक्शन सी में नहीं दिया, तो हो सकता है सीधा इसकी एक केस स्टडी भी दे दें, तो वहाँ मल्टीपल पार्ट बना के आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो बहुत अच्छे से उसको स्टडी करना, कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, उनका एरिया भी पूछ सकता है, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से इसको स्टडी करना। अब 7.4 की बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे ना आप फाइंड द रेशियो ये वाला क्वेश्चन करें, आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, कोल इंजीनियर को प्रूफ लाइक चेक करने के लिए या प्रूफ करने के लिए आपको एरिया का यूज़ पहले ज़रूरत पड़ता था, लेकिन अब बिना एरिया के भी कर सकते हो आप, ठीक है, AB + BC = AC करके आप कर सकते हो। खैर, आपको सेंटर पूछेगा कोई दिक्कत नहीं, आप ये एक फोर्थ भी करें, मैं तो कह रहा हूँ फिफ्थ भी करें, आपको इसमें ये कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE,
ये अगर आपको जरूरत पड़ रही है कोऑर्डिनेट्स की तो मत करना, लेकिन इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद अगर आपका ट्रायंगल बन रहा हो, राइट एंगल ट्रायंगल, सिंपल सा बेस है, हाइट है, तो प्लॉट करके ग्राफ पे निकाल दो ना एरिया, मतलब ट्राई करना, देख लो। अगर नहीं है कोई ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल जैसे ये बना हुआ है, अब इसका हाइट कहाँ से उठाओगे यार, तो ऐसे में अगर प्रॉब्लम आए तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप एरिया वाला पोर्शन कट कर सकते हो। ये पूरी एक्सरसाइज कटी हुई है ऑलरेडी, तो जो क्वेश्चन ईजिली समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग है, डोंट बी कन्फ्यूज, ओके, ध्यान रखें। और अगर लास्ट पार्ट की बात करूँ, मैं तो करूँगा पूरा क्वेश्चन करना है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसमें एरिया वेरिया कहीं नहीं पूछ रहा। या द पॉइंट विच इज़ कॉमन सेंट्रॉइड, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो पता नहीं देते क्यों ये लोग, ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए देते हैं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो है ना, अब प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हो तो एग्जाम में तो आ ही सकता है। और जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उनकी तो बस वो भी वैसे ही होते हैं, वो कहीं से भी दे देते हैं, उनको देना है तो वो दे ही देंगे। खैर ये आप ध्यान रखें ना, करिएगा ठीक है ना, करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ये फॉर्मूला होता है जो मैं जिसकी बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, बहुत अच्छा फॉर्मूला था इसका, लेकिन ये उड़ा दिया। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th के बच्चों के लिए बिल्कुल नया, कुछ इंटरेस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कुछ होता है, और कुछ बच्चों को तो कुछ कुछ होता है, कुछ को कुछ भी नहीं होता है। खैर इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें आप सब कुछ करेंगे, इसमें बस एक ही चीज़ कटती है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री वाले पार्ट। अगर आप आर एस या आर डी से कर रहे हो तो पूरे चैप्टर को उड़ा देना। यहाँ पे जो है सब कुछ करना है, पॉइंट वन पूरी करनी है, या पॉइंट टू में टेबल होगी, यस टेबल एंगल्स के ऊपर बात कर रहा है ये, 45 वगैरह, ठीक है 90 आ गए, ठीक है टेबल आ गई, ठीक है टेबल बहुत अच्छी है, बहुत बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लर्न करने का बहुत अच्छा एक ट्रिक भी होता है ना, कहोगे तो मैं अलग से बता दूंगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, एक छोटी सी, आई थिंक बहुत से बच्चों को पता भी होगी, और कोई दिक्कत नहीं है, कहोगे तो बता देंगे। खैर ये सब आ रहा है इसमें, ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कटेगा, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन है HND में, हाइट एंड डिस्टेंस में लास्ट क्वेश्चन, वो भी कटेगा, जिसका प्रूफ आई थिंक उसमें चेक करना है कि उसमें जो हाइट है वो 6 आ रही है, उसका आंसर 6 आना चाहिए। अभी क्वेश्चन आएगा बताता हूँ मैं, तो ये सब कटेगा, ये सब कुछ आ रहा है, एक्सरसाइज ये पूरी आ रही है, सिर्फ ये नीचे का टॉपिक कटेगा, नीचे का टॉपिक की वजह से सब कुछ, ये नेक्स्ट पेपर ये सब उड़ेगा, उड़ा दो। अब ये आ गई आइडेंटिटीज़, बच्चों को इसमें होता है प्रॉब्लम, एक छोटी सी टिप देता हूँ मैं आपको इसके लिए, ठीक है, जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो मुझसे अब तक नहीं पढ़े हैं, उनको एक टिप दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी सबको पता ही है, प्रूविंग के लिए ज़्यादा तामझाम मत करना, सभी टी रेशियोज़ को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना। साइन कॉस में कन्वर्ट करके आपको पहला जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस का इक्वल टू 1, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उसी एक फॉर्मूले से हो जाएंगे, आपको ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा LHS सॉल्व करो, थोड़ा सा RHS सॉल्व करो, और दोनों को बैलेंस कर दो, दोनों को एक साथ मत सॉल्व करना, LHS अलग RHS अलग, पैटर्न यही बोलता है, वरना मार्क्स कट जाते हैं। एक साथ लिख के सॉल्व नहीं करी जाती प्रूविंग, कि आप वो चीज़ प्रूफ करने वाले हो, टू प्रूफ, तो पहले LHS फिर RHS। ध्यान रखें सभी टी रेशियोज़ को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको देखो बताता हूँ, इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 15 एक तो, और ये इसमें बस एक क्वेश्चन कटेगा, ये वाला, ये दो पार्ट कटेंगे इसके, और एक ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये फिफ्थ, दो तो ये रहे। और मैंने जहाँ तक लास्ट ईयर रिसर्च करी है इस पर, इस टाइप के क्वेश्चन हैं ही टोटल 6 या 7 क्वेश्चन हैं लगभग, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने एक जगह रखे हुए हैं, अगर जो पड़ेगी आपको तो मुझे कमेंट करना, मैं उनको शेयर कर दूंगा। उनके अलावा मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिले, मैंने पूरी मतलब शायद 3-4 बुकें उसमें से छांट दिया, PYQs देख लिए मैंने, सैम्पल देख लिए, बने ही 6-7 क्वेश्चंस हैं कह लो, और उन 6-7 क्वेश्चंस के लाइक बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिल जाता है वो, और ये बहुत मैक्सिमम नंबर में आता है, जब भी आता है इंटरेस्टिंग है, एक अच्छी खासी पैटर्न ऐसे करने का। एक तो ये फिफ्थ वाला पार्ट ध्यान रखें एग्जाम्पल, तो इसकी ट्रिक भी है, इसकी ट्रिक भी है, वो ट्रिक हमने जब मल्टीपल उन पार्ट्स में लगाई तो सब में लग गई, तो वो मज़ा आ गया। तो कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है। ये वाला 6th वाला पार्ट कट करेंगे नीचे समरी के अंदर। अब बात करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर मत काट देना, ये इंट्रो वाला पार्ट बस बुक में नहीं है, नई वाली में तो मैंने यहाँ से कट कर दिया, बस ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हो इंट्रो। HND बहुत अच्छा टॉपिक है, ये पूरा आएगा, इसमें कुछ कटा हुआ नहीं है, ये पूरा आएगा। इसमें बस एक चीज़ आप ध्यान रखें, मैंने बताया था अभी आपको, इसमें क्वेश्चन कटेगा, ये रहा
देखो 6 मीटर, हाँ हाइट ही है। ये क्वेश्चन कटेगा एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड क्वेश्चन, तो कॉम्प्लीमेंट्री तो आ ही नहीं रहा, तो ये किसी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सर्कल्स पे आते हैं। सर्कल्स पूरा ही आ रहा है ऑलमोस्ट, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। सर्कल के अंदर कुछ अलग नहीं है, पूरा आ रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, इसमें आप टेंजेंट्स को अच्छे से समझें। टेंजेंट्स के ऊपर जो प्रॉपर्टी है, दो ही थ्योरम है इसके अंदर, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पीछे करके। ये वाली थ्योरम एक तो, और एक और है वो है 90 डिग्री वाली परपेंडिकुलर वाली, तो वो थ्योरम कहाँ गई ये रही। इन दो थ्योरम को पढ़िएगा अच्छे से और आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, और इजी है वैसे, है ना, कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मैं इसमें हैशटैग यूज़ कर देता हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला क्वेश्चन 4th 5th इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको कई बार बेसिक के तौर पर 7th भी मिल सकता है। सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देना। इसे करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, हिंट दे रहा हूँ, एरिया का यूज़ करना हीरोन्स का बड़े वाले ट्राइंगल में, और जो तीन पोर्शन बनेंगे इसके, ये वाले, ये यहाँ लगाना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू, एक यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और उसके इक्वल में डालना एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्राइंगल हीरोन्स की मदद से, मज़ा आएगा आपको। हिंट दे दिया मैंने, खैर आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ये पूरा चैप्टर कटा हुआ है, इसे स्पीड से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एरिया रिलेटेड सर्कल का इंट्रो कटा हुआ है, पैरीमीटर एरिया सब कुछ कटा हुआ है, ये जहाँ जहाँ कट लगे हुए हैं, एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज कटी हुई है, आप अपने मन के लिए कर सकते हो इनके क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है, सब आ रहा है। पॉइंट 2 पूरी आ रही है, बस पॉइंट 2 ही पूरी आ रही है, लेकिन मस्ट ट्राई मैंने लिखा है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन फिगर्स को। कॉम्बिनेशन फिगर्स बेटा पहले भी आ चुकी हैं, और मैंने देखा इस साल जो CBSE ने सैम्पल पेपर दिया है अपनी वेबसाइट पर, वहाँ भी कॉम्बिनेशन फिगर्स हैं, तो मैं तो कहता हूँ कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना इसको, इन सब क्वेश्चंस को करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ कुछ एक्स्ट्रा सीखोगे और अच्छी बेसिक पे कमांड बन जाएगी, आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने लिखा हुआ है मस्ट ट्राई, ये सब नई बुक में नहीं है, लेकिन कर लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नए जो सैम्पल पेपर CBSE ने, आप चेक कर लेना चाहो तो उसकी वेबसाइट पर, उस पर है सैम्पल पेपर डाला हुआ इस साल का, उसमें इस तरह का क्वेश्चन है, मैंने कराया अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को। सरफेस एरिया की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा है, इसे बस फ्रस्टम कटता है हर साल की तरह, तो यहाँ पे सब कुछ आएगा। आई थिंक ये फ्रस्टम पे हम आ चुके हैं, फ्रस्टम में भी है, नहीं है, ओके। इसमें पहले कन्वर्जन की बात हुई है, तो कन्वर्ट मतलब एक शेप को किसी और शेप में कन्वर्ट करना, मतलब इसे भी करो, इसे भी करो, इसमें भी आप समझो, इसमें बेसिक सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फ्रस्टम बिल्कुल मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रस्टम को बिल्कुल उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी क्वेश्चन करने की। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। इसमें जो जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट टाइम बेस्ड नहीं है, उन क्वेश्चनों को करना, सॉल्यूशन आप देख सकते हो ऑनलाइन, तो यहाँ लिखा है मैं ट्राई, मतलब जिन क्वेश्चंस को आप लाइक जो सिलेबस में आ रहा है पोर्शन, उसके बेस पे कर सकते हो, उन्हें कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टैट्स की बात करते हैं। स्टैट्स में तो सभी कुछ आता है, बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का कौन सा आता है, वो है मीडियन का। मैं स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी कैमरे की बैटरी शायद मुझे लग रहा है डाउन ना हो जाए, चलो फिर भी हमारा तो एंड होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, मैं था मीडियन पे, तो मीडियन का सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी दो वेरिएबल फाइंड करने का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, या F1 F2, इस तरीके का। वो अच्छी खासी लेंथ रखता है, 800 पेज में होता है, उस क्वेश्चन को स्टडी करना। और ये एक्स और वाई निकालने वाले क्वेश्चन मोड में भी बन जाते हैं, मीन में भी बन जाते हैं, ये तो इस पे ध्यान देना। 1 मार्क के लिए बेसिक्स का आप ध्यान रखें, बेसिक में क्लास साइज़ क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। एक और ध्यान रखें, एक क्वेश्चन और आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए आ सकता है, वो है कि क्वेश्चन में ही हमें CFD होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ही दी होती है, वो आप उसको दोबारा से CF उसका बना देते हो, तो वो बहुत अजीब क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान रखें, CF अगर पहले से ही दे रखी है तो उसमें आपको उसकी पहले फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, अब मैं टीचर से डिस्कस करो और उन्हें निकालो, नहीं मिलते हैं तो मैं मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। खैर, बाकी सब आ रहा है, इसमें एज्यूम मीन भी करना है, आपका डाइट मेथड है पहला, फिर एज्यूम मीन है, फिर है स्टेप डेविएशन, सब कुछ करो ये, कोई दिक्कत नहीं है, और इन सबसे आंसर सेम आता है, अलग अलग मेथड्स हैं, जो सूटेबल लगे वो यूज़ करना, लेकिन क्वेश्चन में लिखा आया है कि यही मेथड यूज़ करना है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बोल रहा हूँ जो भी है सब कुछ करके जाओ, कमांड बना के जाओ अपनी, डोंट टेक रिस्क। काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये, यहाँ बच्चों के लाइक ईजी लगता है, लेकिन बच्चों के नंबर कटते हैं कैलकुलेशन पे, तो कैलकुलेशन अपनी बहुत अच्छी रखनी है, एलजेब्रा अपना बहुत स्ट्रांग रखना है। मोड का एक अलग से फॉर्मूला है, कई बार इजी क्वेश्चन मोड का अलग से भी आ जाता है, जहाँ फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं। मीडियन पूरा आ रहा है, इसमें कुछ
कटा हुआ मुझे अब तक तो दिखा नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ कटा है। इसमें एक क्वेश्चन इस पे आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का। आप चेक करना सैम्पल वगैरह में, वहाँ भी आपको इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको 2 चीज़ देगा, 3री पूछ लेगा, है ना। तो इस पे ध्यान रखें, मैं भी अपने टेस्ट पेपर्स में बच्चों को देता हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन, एक ना एक तो पक्का मिलता ही है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये बिलो वाले और ये एबव वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना, कैसे इनका पहले इनको थोड़ा सा चेंज करके एक प्रॉपर टेबल बनती है, फिर क्वेश्चन सॉल्व होता है। ग्राफ बिल्कुल उड़ा दिया है, तो ग्राफ की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ भी एक्स्ट्रास क्वेश्चंस हैं, आई थिंक नहीं, ये ओजाइव के हैं, ये भी ओजाइव के हैं, ये फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रायोरिटी का इंट्रो कटा हुआ है, सब कुछ किसी काम का नहीं है। अब बात करते हैं प्रायोरिटी के क्वेश्चन की, तो वही बेसिक से क्वेश्चन है पहले तो। और इसमें कुछ नोट्स बनेंगे आपके, आपके टीचर ने बनाए होंगे, वरना आप ऑनलाइन ले सकते हो, वरना मैं शेयर कर दूंगा, जिसमें लाइक प्रायोरिटी ऑफ एन इवेंट और उसका नॉट इवेंट का सम 1 होता है। तो डिफरेंट फॉर्मूले हैं, लाइक मैक्सिमम प्रायोरिटी 1 होती है, लोवेस्ट 0 होती है, 0 को नल और वॉइड कहते हैं, जब प्रायोरिटी 1 हो जाए उसे श्योर इवेंट कह देते हैं। ऐसे मल्टीपल नोट्स अच्छे से बना लो, एक पेपर पर सारे के सारे बेसिक जितने भी इनसाइड चीज़ें हैं लिख लो। बाकी क्वेश्चंस तो आपने पहले भी करे हैं 9th में, वही सब क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग खास नहीं है। अलग खास के नाम पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूँ, वो है वेनेसडे संडे मंडे वाला, अपने टीचर से बात करना, जहाँ पे आपको बोलता है कि अगर लीप ईयर है तो संडे इतने मंडे इतने, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसे ढूंढो करो, वो क्वेश्चन अलग है, आप लोगों के लिए नया होगा, उसे ज़रूर करो, ठीक है। और इसमें बस बेसिक से आप नोट्स बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि प्रायोरिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी तो इसमें कार्ड्स को आप पूरा अच्छे से घोल के पिएंगे, कार्ड्स के बारे में, कॉइन के बारे में, डाइस के बारे में, और ये सब ट्राई वाले क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं। एंड यस आई थिंक दैट्स इट, यस थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आप इससे पहले कि चले जाएँ तुरंत, मैं आपको बता दूँ कि जेन्युइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइस वेरी सून। मैं डेफिनेटली 10th के लिए अभी हाफ ईयरली पास में, तो मैं ऐसे ही वीडियोस जो आपको हाफ ईयरली में हेल्प करेंगे लेके आता रहूँगा, रेदर देन मैं पढ़ाने शुरू कर दूँ चैप्टर्स को, वो आई डोंट थिंक अभी वो टाइम है। ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं, इतना टाइम आपके पास बनी हो कि आप मेरे एक एक घंटे के लेक्चर्स देखो। मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाने की शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF दे दूँगा, चाहो तो वहीं से पढ़ लेना, और जिनमें दिक्कत आएगी उनको हम शेयर कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया है या क्योंकि पूरी बुक डिस्कस करी है, बस कीप शेयरिंग यार, शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ, और जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। मोटिवेट होता हूँ यार, मज़ा आता है, बहुत टाइम बाद कई बार कम बैक करा है इस चैनल पे हमने, अब बस हो गया, ये लास्ट इन्वेस्टमेंट है, अब तक तो बहुत सारा खर्चा कर दिया इस पे, ये लास्ट इन्वेस्टमेंट है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइस वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।